लेबनन से इसराइल के अंदर एरियल इंट्रूजन हुआ है, यानी कि कुछ एयरक्राफ्ट लेबनन से इसराइल के अंदर घुसे हैं। गोलान हाइट्स पर हाई अलर्ट है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आपसे कुछ बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर जो मिल रही है, दर्शकों को बता दें, हमास कमांडर के घर पर एयर स्ट्राइक की गई है। मोहम्मद दाइफ के घर को पूरी तरह से तबाह किया गया है। हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर है दाइफ, और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से इसराइल पर जो ये हमला हुआ है उसमें पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग दाइफ की। पुलिस स्टेशन के तबाह होने की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से हमास की ओर से अटैक किया गया है, इस हमले में पुलिस स्टेशन तबाह हो गया है। देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर देख रहे हैं आप इसराइल के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पुलिस स्टेशन को लेकर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। किस तरीके से हमास के हमले में पुलिस स्टेशन के तबाह होने की खबर सामने। इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है, और इस बीच लेबनान के साथ इसमें सीरिया भी कूद पड़ा है। इसराइल हमास के बीच जंग में दोनों ओर से अब तक 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।